यूसुफ पठान इन दिनों जमकर शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। उन्होंने एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो निशाना लगाते हुए दिख रहे हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद पठान के फैंस उनकी तुलना मनु भाकर और तुर्की के शूटर यूसुफ डिकैच से करने लगे हैं। मनु भाकर ने पेरिस ओलंपिक में शानदार प्रदर्शन करते हुए 2 गोल्ड मेडल अपने नाम किए थे, लेकिन अब उन्हें टक्कर देने के लिए भारत के मशहूर क्रिकेटर यूसुफ पठान मैदान में उतर गए हैं। पठान ने 2024 की लोकसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल की बहरामपुर सीट से चुनाव लड़ा था। तृणमूल कांग्रेस की सीट से उन्होंने जीत हासिल कर 18वें लोकसभा सत्र के सांसद भी बने। हालांकि इन दिनों वो जमकर शूटिंग की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या वाकई में वो मनु भाकर को हराने की तैयारी में जुटे हैं। आइए जानते हैं क्या है सच्चाई। यूसुफ पठान ने अपने सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर किया जिसमें वो शूटिंग की प्रैक्टिस करते हुए नजर आ रहे हैं। उन्हें प्रैक्टिस करता हुए देखकर उनके फैंस मजाक में कहने लगे कि अब मनु भाकर की सीट खतरे में है। अगले ओलंपिक में पठान ही भारत के लिए मेडल जीतेंगे। वहीं कुछ ने उनकी तुलना पेरिस ओलंपिक 2024 में तुर्की के 51 साल के शूटर यूसुफ डिकैच से कर दी, जिन्होंने बिना किसी शूटिंग गियर के सिल्वर जीतकर सभी को हैरान कर दिया था। इससे आप साफ अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यूसुफ और मनु भाकर के बीच कोई टक्कर नहीं हो रही है। उनके फैंस ऐसा मजाक में कह रहे हैं। बता दें, यूसुफ शूटिंग के शौकीन हैं और अक्सर इसकी प्रैक्टिस करते रहते हैं। वो इससे पहले भी बंदूक के साथ अपनी तस्वीर शेयर कर चुके हैं। इंग्लैंड में हुए वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लेजेंड्स के फाइनल में इंडिया चैंपियंस ने पाकिस्तान चैंपियंस को हरा दिया था। इस टूर्नामेंट में रिटायर्ड खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। यूसुफ पठान भी इसका हिस्सा थे। भारत को चैंपियन बनाने में उनका महत्वपूर्ण योगदान था। उनके शानदार प्रदर्शन के लिए वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी चुना गए थे। यूसुफ पठान ने 7 मुकाबलों में 55 की औसत और 157 के स्ट्राइक रेट से 221 रन बनाए थे। अब देखिए, सोशल मीडिया पर तो कोई भी कुछ भी फोटो पोस्ट करता है या वीडियो डालता है तो फैंस उसको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरह से रिलेट कर देते हैं। जैसे कि अब यूसुफ पठान के इस शूटिंग वाले वीडियो को लोगों ने मनु भाकर से कनेक्ट कर दिया कि भाई यूसुफ पठान अगले ओलंपिक्स यानी कि 2028 के लॉस एंजलिस ओलंपिक्स में मेडल जीतने वाले हैं और वो मनु भाकर को टक्कर देने वाले हैं। ये सब बातें लोगों ने मजाक में कही, बट कहीं ना कहीं इसकी ज़्यादातर खबरें जो है वो बन जाती हैं। और यूसुफ पठान को हमने देखा है कि बड़े मजाक के अंदाज़ में जाने जाते हैं और इसी तरह के कुछ ना कुछ वीडियोज़ या फ़ोटोज़ कभी खाना बनाते हुए, कभी शूटिंग करते हुए, कभी कुछ करते हुए वो लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं। तो उसके कारण ही लोगों ने एक मीम के तौर पर इस चीज़ को जोड़ दिया कि भाई यूसुफ पठान अब मनु भाकर को टक्कर देंगे और अब शूटिंग में यूसुफ पठान से हमें मेडल की उम्मीद है और वो तुर्की के शूटर को भी टक्कर देने वाले हैं, क्योंकि बिना किसी शूटिंग गियर के यूसुफ पठान ने शूटिंग का वीडियो शेयर किया है जहां पर वो थोड़े से अनसेटिस्फाइड नज़र आ रहे हैं उनकी शूटिंग एबिलिटी से।